मायने गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग मायने में आशा आयरन है और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का अनुभव है। क्योंकि पहले मैं ये सादा मोबाइल यूज़ करती थी तो मुझे कुछ भी तकलीफ़ नहीं थी, लेकिन जब से ये टच स्क्रीन मोबाइल आए हैं मैंने ये यूज़ किया तो उसके वजह से मुझे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हुए थे फ्रेंड्स। जैसे कि मेरे ये आधा सर दर्द हो रहा था, मेरी आंखों के जो पलके वो सूज जाती थी, लाल हो जाती थी, मुझे इतना ये मोबाइल का आदत लग चुका था ये टच स्क्रीन का। तो मैं इसके लिए डॉक्टर के पास भी गई थी, लेकिन तब पता नहीं था कि रेडिएशन की वजह से ये सब हो रहा है। रेडिएशन क्या था ये भी नहीं मालूम था फ्रेंड्स। जब ये बिज़नेस ज्वाइन किया तब पता चला कि रेडिएशन क्या है, उसके लिए क्या अवेलेबल है। तो डॉक्टर ने मुझे ये स्पेक्स दिए थे कि नंबर तो नहीं है लेकिन ये स्पेक्स पहन के रखो, तो आँखों में कचरा जाने की वजह से ये सब हो रहा है। ऐसे डॉक्टर ने बोला, काफ़ी सारी फीस भी ले ली, दवाइयाँ भी दी, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं हुआ। लेकिन जब से मैंने अपने मोबाइल में ये एनवायरो चिप लगाया और अपने घर में ये ग्लोब बसाया, तब से हम काफ़ी फ़ायदा हुआ है फ्रेंड्स। जैसे कि मेरी बेटी के भी आँख में से पानी निकलते थे, वो भी मोबाइल की आदत हो चुकी, उसको भी उसके मोबाइल में भी मैंने एनवायरो चिप लगा लिया, मेरे हस्बैंड के मोबाइल में, सबके मोबाइल में। और तब से मेरा ये जो आधा सर दर्द हो रहा था वो भी अभी नहीं हो रहा है, आँखों के जो पलके सूज जाती थी, आँखें लाल हो जाती थी, वो भी अभी नहीं है, सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई। और फ्रेंड्स, हम जिस फार्म हाउस में रह रहे हैं उसी फार्म हाउस में मेरे जेठ ने टावर भी लगवाया था, मोबाइल का टावर भी है। पता नहीं था कि ये टावर इतना नुकसान करेगा, तो जब पता चला तो मैंने इंस्टेंटली तुरंत ही मैंने ये ग्लोब अपने घर में बसा लिया, क्योंकि काफ़ी सारा फ़ायदा है इससे, क्योंकि ये रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करता है। और आज जो भी प्रॉब्लम्स थी मेरी वो सारी क्लियर हो गई। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि इनवायरो ग्लोब और ये इनवायरो चिप हमारे लिए कितने फ़ायदे का फ़ायदा है। इससे काफ़ी सारी बीमारियों में भी से हमें बचाता है फ्रेंड्स। जैसे कि अभी पक्षियाँ भी कम दिखने को मिलते हैं, तो ये सब रेडिएशन की वजह से है। मेरा दिमाग आधा सर जो दुखता था, और साथ ही साथ मुझे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे जो क्लियर हो चुके हैं। थैंक यू।